तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे लेटर टू द एडिटर की। ये एक फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम किसी ऑफिशियल काम के लिखते हैं। इसे हम अपने पर्सनली काम के लिए ना लिख के किसी ऑफिशियल काम के लिए लिखते हैं। किसी को एडवाइस देने के लिए या किसी को अवेयर कराने के लिए हम फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। तो आइए इसका पहले फॉर्मेट देखते हैं, फिर उसका कंटेंट देखेंगे, फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन देखेंगे। और इस वीडियो को देख के गारंटेड है कि आपके 5 मार्क्स तो कन्फर्म ही हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेटर टू द एडिटर में पहले बात करेंगे हम इसकी फॉर्मेट की। फॉर्मेट में पहले आएगा आपका सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब ऑन एड्रेस, मतलब खुद का एड्रेस। सेंडर एड्रेस जो होता है वो क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर गिवन ना हो तो आप इमेजिन करके कोई सा भी एड्रेस दे सकते हैं। फिर इसके बाद एक आपको लाइन गैप छोड़ना है, फिर आपको डेट लिखनी है। जो ये डेट है, डेट के ऊपर ये एरो लगा है, आपको ये डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेट आप ऐसे लिखेंगे 21 May 2021। जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हैं आप उस दिन की डेट डालेंगे। फिर एक और गैप छोड़ेंगे, फिर आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर एड्रेस के ऊपर भी स्टार लगा है, आपको भी ये रिसीवर एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको रिसीवर एड्रेस के अंदर लिखना है द एडिटर द लोकल न्यूज़पेपर न्यू दिल्ली। रिसीवर एड्रेस मतलब आप किसे भेज रहे हैं, आप लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को भेज रहे हैं। फिर आपको एक गैप छोड़नी है, ठीक है। और जो आपका रिसीवर एड्रेस है ये 3 लाइन्स में आना चाहिए, और जो सेंडर एड्रेस है वो 2 से 3 लाइन में आना चाहिए। ये कंपलसरी होता है 2 से 3 लाइन में आना, और जो आपका रिसीवर एड्रेस है ये 3 लाइन में आना ही चाहिए। लाइन के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आप किस विषय पे अपना लेटर लिख रहे हैं। इस पे आपको एक शॉर्ट टाइटल देना है। मान लीजिए कि कोई पीपल्स ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो आपको शॉर्ट टाइटल दे सकते हैं पीपल डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ओके। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के लिए आप रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, और ये सैल्यूटेशन है इसे भी आप नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर आपको एक लाइन नहीं छोड़नी। फिर आपको स्टार्ट करना है इंट्रो। इंट्रो में आपको देना है थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली रीड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज रिगार्डिंग द प्रॉब्लम और सिचुएशन एंड इशू। तो इसमें बताना है आपको कि मैं आपके प्रसिद्ध समाचार में अपनी पूरी सहानुभूति के साथ अपने विचारों को आपके अखबार में प्रकाशित करना चाहता हूँ। इसमें आप प्रॉब्लम लिख सकते हैं, अपनी सिचुएशन लिख सकते हैं, एंड इशू लिखकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका, ये तो आपका इंट्रो था। इंट्रो जहाँ पे आपका ख़त्म होता है वो आपका फर्स्ट पैरा हो गया, और उसके ही नेक्स्ट लाइन में आपको अपनी प्रॉब्लम डिटेल में डिस्क्राइब करनी है। आपको याद रखिए, जैसे आपका पहला पैरा ख़त्म हो गया तो सेकंड पैरा जब स्टार्ट हो तो लाइन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, उसकी नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट कर देना है। तो सेकंड पैरा में आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है 4 से 5 लाइन में, ठीक है। 4 से 5 लाइन में आपने अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर दी, इसे डिटेल में डिस्क्राइब कीजिएगा ताकि टीचर का आपके लेटर पे इम्प्रेशन अच्छा पड़े। फिर ये आपने डिस्क्राइब कर दी अपनी प्रॉब्लम को, और फिर नेक्स्ट लाइन में आपको सजेशन देना है। अपना कोई 2 लाइन का सजेशन दे दीजिए, ठीक है। फिर आइए लास्ट लाइन की बात कर लेते हैं, थर्ड पैरा की, जिसमें आपको क्या लिखना है। आप आई होप यू विल हेयर माई प्रॉब्लम एंड हाईली और क्विकली गिव मी बेटर रिस्पॉन्स। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी समस्या को सुनेंगे और मुझे बेहतर परिणाम देंगे। आप ये लिख सकते हैं, या आप ये ना लिख कर ये भी लिख सकते हैं, आई होप यू कैन पब्लिश माई इशू इन योर न्यूज़पेपर एंड एक्सप्रेस अवेयरनेस टू अदर्स एंड गिव मी बेटर रिजल्ट। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इशू को अपने अखबार में प्रकाशित करेंगे और अवेयरनेस को बढ़ावा देंगे और मुझे बेहतर परिणाम देंगे।
ठीक है, ये आपको थर्ड पैराग्राफ में लिखना है। आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए, फिर आपको एक गैप छोड़नी है, मतलब लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद आपको लिखना है थैंकिंग यू आपका आज्ञाकारी, फिर आपको लिखना है योर्स ट्रूली और फेथफुली, जो आपको बढ़िया लगे वो आप लिख लीजिएगा। ट्रूली भी लिख सकते हैं, फेथफुली भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना नेम लिख दीजिए और इसी के साथ लेटर की एंडिंग होती है। और मैं बताता हूँ कि आप इस लेटर में 5 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं खाली इस फॉर्मेट से, बिना अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करे हुए। तो ये जो लेटर टू एडिटर है, ये क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th सभी में 8 मार्क्स का तो आता ही आता है। और इस वीडियो में आप 8 में से 5 मार्क्स कन्फर्म है आपके आएंगे ही आएंगे। आप एज इट इज़ यही फॉर्मेट लेके आइए, फॉर्मेट आपको ये 2 मार्क्स दिला सकता है। आई रिपीटेड, ये आपको 2 मार्क्स दिला सकता है। आपको बस ऐसा ही फॉर्मेट लिखना है। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट इंट्रो की लाइन देनी है। आप यहाँ तक याद कर लीजिए रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, ये आपको 1 मार्क्स तक दिला देगा। और इसमें आप थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा इसमें बताएंगे, तो आपको ये 1.5 मार्क्स दिला सकता है, मतलब 1.5 मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। और फिर ये जो थर्ड पैराग्राफ की लाइन है, आई होप यू विल हियर माई प्रॉब्लम हेयरली और क्विकली गिव मी बेटर रिस्पॉन्स, ये भी आपको 1.5 मार्क्स दिला सकती हैं। आई रिपीटेड, 1.5 मार्क्स दिला सकती हैं। फॉर्मेट आपको 2 मार्क्स दिला सकता है और 1.5 टोटल हो गए 3 मार्क्स, फॉर्मेट आपको 2 मार्क्स, तो ये हो गए टोटल आपका 5 मार्क्स। लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, खाली बस ये फर्स्ट इंट्रो को थोड़ा याद करना है और सेकंड छोड़कर थर्ड इंट्रो को थोड़ा सा याद कर लीजिए। आपके 5 मार्क्स कन्फर्म है, टीचर भी आपको हंसते हंसते 5 मार्क्स जरूर देगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। 5 मार्क्स तो आपको मिल ही गए हैं 8 मार्क्स में से, और क्या चाहिए आप लोगों को। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए और ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ।